देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। जनपद में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र में रूपईपुर गांव में एसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में छापा मारकर अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर मोहम्मद फहीम को गिरफ्तार किया गया है। पहले से गिरफ्तार शराब ठेके के मालिक रंगेश यादव की निशानदेही पर शराब बनाने के उपकरण, अवैध शराब, बारकोड, कफ सिरप भी बरामद किया गया है। आरोपी फहीम का माहौल में मेडिकल स्टोर है, जहां से इन नकली दवाओं की बिक्री व सप्लाई की जाती है। आरोपी फहीम सात भाई हैं और सभी इसी घर में एक साथ रहते हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने छापेमारी कर खुलासा कर पूर्व सांसद रमाकांत यादव के भतीजे रंगेश यादव के ठेके से बिकने वाली शराब का खुलासा किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 30 लाख से अधिक कीमत की अवैध शराब, कफ सिरप और कई वाहन भी बरामद किए हैं। इन वाहनों का प्रयोग अवैध शराब व कफ सिरप की सप्लाई में किया जाता था। 3 आलीशान कोठियों में शराब छिपा कर रखी गई थी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि फहीम का भाई नदीम, जो कि अवैध शराब फैक्ट्री का संचालक है, अभी फरार है। आरोपी की तलाश में पुलिस व एसओजी की टीम लगाई गई है। आलीशान कोठियों में जगह जगह शराब व नकली दवाएं बरामद की गई हैं, जो छिपा कर रखी गई थी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जहरीली शराब फैक्ट्री के मालिक नदीम सहित 5 फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। जैसा कि आप अवगत हैं, थाना अहरौला क्षेत्र में अवैध शराब की एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में अहरौला और फूलपुर में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इसमें 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान 2 अभियुक्तों के द्वारा एक अवैध शराब फैक्ट्री के संचालन की सूचना पुलिस को दी गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एसओजी टीम के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई। सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया। इस छापेमारी के दौरान भारी अमाउंट में यहाँ पे अवैध शराब की बरामदगी हुई है। ये जिसका मकान है, इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद सईद, जो गांव रुपईपुर का रहने वाला है, जिस गांव में हम लोग अभी खड़े हुए हैं। इसका एक पुत्र मोहम्मद फहीम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो यहीं इसी घर में रहता था, और इनके मोहम्मद फहीम और इसके भाइयों के द्वारा अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन इस घर से किया जा रहा था। अभी तक जो बरामदगी हुई है वो 1,000 लीटर से ऊपर रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद की गई है, जो लगभग 6 ड्रम्स में पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। 25 पेटी अवैध शराब, जो घर के अलग अलग हिस्सों से और वाहनों से बरामद की गई है। 15 पेटी ऑनरेक्स सिरप, ये एक सिरप है, जो एक दवाई है, ड्रग है, उसको भी अवैध रूप से इनके द्वारा तैयार करके रैपर लगा के उसको और बेचा जा रहा था। 20,000 से ऊपर खाली बोतलें हैं, लगभग 25,000 के आसपास रैपर हैं जो बोतलों पर लगाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स की बोतलें यहाँ से हम लोगों को मिली हैं। इसके साथ साथ जो सील करने वाली मशीन है, अवैध शराब की बोतल को उसमें केमिकल भरने के बाद और फ्लेवर मिलाने के बाद उसको सील करने के लिए जो इस्तेमाल होती थी मशीन, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। लगभग बार कोड, जो फर्जी बार कोड अवैध तरीके से तैयार करके, फर्जीवाड़ा करके बार कोड तैयार किए जाते हैं, वो 10,000 से ऊपर की संख्या में बार कोड यहाँ से बरामद हुए हैं। रैपर बहुत भारी संख्या में बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ एक वैन, एक टेम्पो, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी, जिसका इस्तेमाल किया जाता है वितरण के लिए, इनमें से कुछ वाहनों से शराब भी, अवैध शराब की पेटियां भी बरामद की गई हैं। और 2 जगह से यहां से ग्राउंड के अंदर जो ज़मीन है, ज़मीन खोद के और उसके अंदर जो केमिकल है उसको दबाया गया था, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। जेसीबी की मदद से यहाँ इन दोनों ड्रम्स को निकाला गया है। अभी और भी जगह छापेमारी इसमें लगातार जारी रहेंगी। अब पता किया जा रहा है कि इनके और कहाँ कहाँ ठिकाने हैं। ये यहाँ इनका आवास है, रहने का घर है, इसी के अंदर इनके द्वारा इस फैक्ट्री का संचालन पहले दूसरे फ्लोर पे और बगल वाला जो आपने इनका रिहायशी मकान देखा उससे किया जा रहा था। कितने लोग इसमें और शामिल हैं, अभी 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जितने लोग इसमें अभी फरार हैं उनके ऊपर 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है और बहुत जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में SPRA के नेतृत्व में और जो SOG टीम है, अहरौला थाने की टीम है, इन लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अभी हम लोग इसका पूरा असेसमेंट करेंगे, जो एग्जैक्ट बरामदगी है वो आप लोगों के साथ सुबह हम लोग साझा करेंगे। सर, कितनी कीमत की लगभग ये कैलकुलेट हो जाएगा? अभी जो इसको देखने से प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये 30 लाख से ऊपर का माल है कुल, जो अभी तक पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। इसमें जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं उनको भी बुलाया गया, उनको भी सूचित किया गया है, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में
दवाई का भी यहाँ से अवैध तरीके से दवाई भी तैयार की जा रही थी। अभी हम लोग पता कर रहे हैं कि इसके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस था या कोई इसका मेडिकल स्टोर हो, उस पर भी छापेमारी की जाएगी, और भी अगर इसके कोई अन्य ठिकाने हैं उन पर भी छापेमारी की जाएगी। इस सिंडिकेट में कौन लोग शामिल हैं इस पूरे सिंडिकेट में, क्योंकि जो शराब से मौत हुई है इसी ब्रांड के नाम की शराब है बिकी है, वही शराब, वही ब्रांड की शराब की बोतल यहाँ से बरामद हुई है। जो इसमें रंगेश यादव मुख्य अभियुक्त था, जिसका जो इस अनुज्ञापी था इस ठेके का, ये उसी से जुड़े हुए लोग हैं, उसी के साथ के लोग हैं। इनको हम लोग CDR एनालिसिस के माध्यम से, CCTV फुटेज के माध्यम से और भी अन्य साक्ष्य संकलन के माध्यम से अब तक की विवेचना की गई है, और इसी के दौरान 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा ये अवैध फैक्ट्री बरामद की गई है। इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे वो इनकी सप्लाई चेन से जुड़े हुए हों, चाहे वो इनके जो इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट, जो पैसे का फ़ायदा किस किस को उसको मिलता था, इसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे। किन किन के बैंक अकाउंट में इस शराब के ठेके से पैसा गया है उसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे, और जो लोग इसको संरक्षण देने में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई नहीं बख्शा जाएगा, और बहुत जल्दी इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मकान बहुत लंबे चौड़े एरिया में इसने बनाया है, तो ये संभावित है कि जो अपराध ये करता रहा है उसी से अर्जित संपत्ति से मकान बनाया गया हो, तो 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और NSA की कार्रवाई तक पुलिस इसको लेके जाएगी, और किसी भी प्रकार से हम अवैध शराब के इस कारोबार को जड़ से खत्म करेंगे। सर, रंगेश यादव के साथ ही क्या रमाकांत यादव के परिवार का कोई कनेक्शन सामने आया है? एक मुकदमा 2016 का है जिसमें ये रमाकांत यादव और चार अन्य अभियुक्त शामिल थे, जिनके खिलाफ चार्जशीट पुलिस के द्वारा 2017 में लगाई गई थी। रंगेश यादव उस मुकदमे में सह अभियुक्त है। ये सारे एंगल्स पे हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में कर रहे हैं। जो पहली प्राथमिकता हमारी थी कि इसका सोर्स क्या है शराब का, शराब कहाँ से आ रही है, उस पे हम लोगों ने सफलता पाई है, और इसमें एक बहुत डिटेल के साथ चार टीमें लगाई गई हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारे एंगल्स पे। जिससे भी कनेक्शन मिलेगा, जिस भी प्रकार का कनेक्शन मिलेगा, उनको सबको विवेचना में शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की। तो सर, जो ये शराब थी सिर्फ यहाँ रंगेश के यहाँ बिकती थी या और भी ठेकों बिकती थी? ये तो अब पूछताछ की जाएगी। अभी दो अभियुक्तों से पूछताछ की गई है, जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार पुलिस टीमें दबिश में है। हम इसको ये पूरी छानबीन करेंगे कि कौन कौन से शराब के ठेके ऐसे थे जहाँ पे शराब वितरित की जा रही थी, या फिर इसके अलावा भी कोई जगह थी जहाँ पे जिसके माध्यम से ये शराब बेच रहे थे, और इन सब चीज़ों को शामिल करते हुए और भी कितने जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, अगर कोई अन्य शराब का ठेका भी है जहाँ से शराब बेची जा रही थी, तो उनको भी अभियुक्त बनाते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि क्या सभी भाइयों की इन्वॉल्वमेंट थी? अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब एक सब लोग एक साथ रह रहे हैं, जितना अभी तक का विवेचना में हम लोगों ने देखा है कि जब एक साथ सब लोग रह रहे हैं और इस पूरे मकान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की बरामदगी है, कहीं से शराब बरामद हो रही है, कहीं से बोतलें बरामद हैं, कहीं से ढक्कन बरामद हैं, जो घर के अंदर वाहन खड़े हुए हैं उन वाहनों से भी बरामदगी है, आपने देखा कि ज़मीन के अंदर भी कुछ केमिकल गड़ा गया था, तो जाहिर सी बात है कि घर के प्रत्येक मेंबर को ये जानकारी थी कि ये अवैध शराब का कारोबार यहाँ से संचालित किया जा रहा है, और ये एक ऐसा कारोबार है जो लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। तो जितने भी लोग हैं उन सबको मुलजिम बनाते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। आज सब कितने लोग गिरफ्तार यहाँ से हुई? 7 लोग अभी टोटल मैंने आपको बताया गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से 2 लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी निशादेही पे बरामदगी हुई है, और इसके अलावा जो अन्य 5 लोग और हैं जो फरार हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, और पुलिस की जो सभी टीमें लगी हुई हैं बहुत जल्दी हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे। फरार कौन-कौन? ये आपको डिटेल दे दिया जाएगा। हम साल से नहीं काम कर रहे थे, एक मीटर मैनेजर का भाई नजीम हमको दे रहा था। अच्छा, आप ले रहे थे? हम भाई भेज रहा था, तुम ले थे? तो यह खाली आजमगढ़ में था कि बाहर भी? नहीं, हमको इतना जानकारी कर रहा अपना अंबारी में माहौल दुकान। अच्छा, कम लगा था। आप भाई साहब कहाँ कहाँ भेजते थे? हम सर वो नहीं करते थे, हम मेडिकल स्टोर चलाते हैं। ये जो नकली वाली? नहीं नहीं, ये कहाँ आपका मेडिकल स्टोर है? माहौल में। किस नाम से? नेशनल मेडिकल। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग भी आप ही करते थे क्या यहाँ? हम नहीं करते थे, वही नदी में भाई जो भी करते थे वही करते हैं सब। अच्छा, नेशनल मेडिकल स्टोर जी, इस माहौल में अरौला रोड पे है। अरौला रोड जी। तो ये रंगे जी, आप कब से ये कर रहे हैं, मतलब शराब वाला काम कब कर रहे हैं?